ऑल इंडिया एशिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। वफद ने इसमें बोर्ड के सदर मौलाना सैयद सायम मेहंदी और मौलाना यासुब अब्बास मौजूद रहे। ऑल इंडिया एशिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद ने पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा है। पुलिस कमिश्नर के तवसुत से सीएम योगी आदित्यनाथ को ये मेमोरेंडम सौंपा गया है। डीजीपी दफ्तर से जारी नोटिस को वापस लेकर दूसरी गाइडलाइंस जारी करने का मुतालबा किया गया है। डीजीपी दफ्तर से अवामी तौर पर नोटिस जारी करके माफ़ी मांगने का मुतालबा, नोटिस के जरिए शेयर तबके को टारगेट किया जा रहा है, ये यासुब अब्बास ने इल्ज़ाम लगाया है। ऑल इंडिया शेयर पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और साथ ही पुलिस कमिश्नर के तवसुत से सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा है। डीजीपी दफ्तर से अवामी तौर पर नोटिस जारी करके माफी मांगने का मुतालबा किया गया और नोटिस के जरिए शेयर तबके को टारगेट किया गया है, ये यासुब अब्बास ने इल्जाम लगाया है। हमने कहा है कि फौरन मुख्यमंत्री जी आदेश करें उत्तर प्रदेश के डीजीपी को और बाकायदा आदेश करके दूसरी गाइडलाइन जारी करें, जिससे जब मुहर्रम में जो आने वाला मुहर्रम कल से रात से शुरू हो रहा है उससे पहले ये गाइडलाइन आ जाए, ताकि ये गाइडलाइन में फिर हम उसी तरीके से मुहर्रम मना सकें। क्योंकि इसकी यह गाइडलाइन जो आई है डीजीपी की, ये हमको कतई एक्सेप्ट नहीं है। ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल इस वक्त मिला था जो आपके सामने है, और पूरी तरीके से हम लोगों ने अपनी पूरी कम्युनिटी के जो हमारी कौम के जज्बात हैं वो हमने रखे हैं कमिश्नर लखनऊ जनाब डी के ठाकुर साहब के सामने, और उन्हें कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी को खाली आपका पत्र पहुंचाऊंगा नहीं, बल्कि हम आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपके दिल दुखे हैं, हम उससे भी उनको अवगत कराएंगे।